नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते मैंने जिनकी कुंडली चुनी है इनका नाम M.D है, पर ये जिनकी कुंडली है ये प्रीति शायद नाम है इनका, कुछ नाम तो नहीं लिखा है, पर M.D के नाम से ये कमेंट आता है। 1991 इनका डेट ऑफ बर्थ है, अमृतसर पंजाब की ये कुंडली है और जिनका भी है ये प्रत्येक दिन और रेगुलर कमेंट करती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, आप लोगों में से मैं बहुत लोगों को बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखते ही नहीं हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखते भी हैं तो उनके सवाल नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर लिखते हैं पर बहुत दिन से नहीं हैं, वो बहुत हाल के आए हुए हैं। पर ये कुंडली बहुत पुरानी है और बहुत दिन से भी हैं ये, इस वजह से इनकी कुंडली मैंने चुनी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, अभी हमारे यहाँ जब मैं कार्यक्रम शूट करने बैठा हूँ रात के 10:48 हो रहे हैं और मैंने कुंडली देखनी बंद करी थी 6:00, मतलब हम 6:00 से लेकर के 10:48 तक बिजली का इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि दरअसल मैं थक इतना गया हूँ इंतज़ार करते 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 करते, सच में अब जो ऊर्जा आपको 5:00 रहती है वो 10:00 रात को तो 10:48 पे थोड़ी रहेगी, ये तो काम कुछ आराम करने का। तो ये हालत यहाँ की है बिहार में, सासाराम की बात मैं कर रहा हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहाँ ये बात मकर लग्न की कुंडली बनती है और मकर लग्न की कुंडली केंद्र में यहाँ पे शुक्र स्वग्रही और यहाँ गुरु सिंह राशि के लग्न में ही शनि शश महापुरुष योग मालव्य योग। जब बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति को मिल जाती हैं तो उसको उसका गम नहीं होता या परवाह नहीं होता। आज आपको मैं एक अच्छी बात बताने वाला हूँ जो चंद्रमा और बुध को लेकर के है। इनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है और बुध के साथ बैठा है। सूर्य और मंगल एक के साथ 4 ग्रह यहाँ जिनका प्रभाव पंचम भाव पे पड़ेगा, और शनि अकेले जिनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पे, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे और 10वीं दृष्टि यहाँ कैरियर वाले भाव पे। शुक्र अकेले, व्यक्ति भले कुछ करे नहीं पर रहता महाराजा और महारानी की तरह है, और चंद्रमा नीच के सूर्य और मंगल और बुध के प्रभाव में चपल चंचल चालाक और सब कुछ हो जाने के बाद गुरु अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और समझदार समझने लगता है। अष्टम भाव के गुरु और एकादश में के सूर्य, नीच के चंद्रमा और बुद्ध के साथ बैठना ये व्यक्ति के स्वभाव को बिल्कुल ही कमज़ोर बुरा और अच्छा नहीं बनने देते। ये जिनकी भी कुंडली है उनको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। समझते हैं कैसे? सिंह के गुरु अष्टम भाव में अच्छे नहीं होते, वो व्यक्ति को बिल्कुल ही हठी और बहुत ही ज़्यादा क्रूएल बना देते हैं, डिप्लोमेट बना देते हैं, और लग्न में शनि वैसे भी व्यक्ति को क्रूर और क्रूरतम बना देते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले इनके पंचांग से आपका दर्शन करा देता हूं। इस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष के अमावस्या को हुआ है। अब ये चाहे जिसकी भी कुंडली हो, 5 दिसंबर 1991 11:14 कार्तिक माह में जन्मे लोग हठी थोड़े होते हैं, दक्षिणायन में जन्मे हैं तो साहसी अपने आप को बहुत ज्यादा, हेमंत ऋतु में व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है, गुरुवार को जन्मे होने से गंभीर होता है और बहुत ज्यादा साम्रांत परिवार से होता है, कुलीन होता है पर कई बार स्वार्थी सोच को लेकर के आगे बढ़ने वाला हो जाता है, बड़े खानदान का होता है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा व्यक्ति को शॉक्ड कर देते हैं, कुछ भी दिमाग में चले नहीं उसका सिर्फ दिमाग, जैसे कुछ भी चले नहीं का मतलब मेरे कहने का है कि व्यक्ति कुछ भी आगे पीछे सोचता नहीं है, वो या तो फिर बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते रहते हैं, ऐसा हो जाता है। चूंकि चंद्रमा और बुध, आपको मैं यहीं पे ये बात बता दूं, देखो बहुत बड़ी और गंभीरता से समझने की बात है, आप लोगों को मैं बताऊं, दरअसल चंद्रमा जो है वो दरवाजा है और बुध उसके अंदर बैठा राजकुमार। चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो बुध प्रभावित हो जाएगा, और अगर चंद्रमा मजबूत होंगे तो बुध भी मजबूत होंगे, मतलब इन दोनों से ही व्यक्ति के स्वभावगत परिवर्तन को देखा जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध अगर खराब हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध अगर खराब हो जाएंगे तो वो
निश्चित रूप से थोड़े ठीक भी परिणाम कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाएंगे उस व्यक्ति के बुध को भी वो खराब कर देते हैं, क्योंकि उसका दरबान ही कमजोर है तो राजा को भी उतनी सुरक्षा नहीं मिलती है। बुध कमरे के अंदर बैठा हुआ सिंहासन पे आरूढ़ राजकुमार है जो राजा का पुत्र होता है। चंद्रमा उसके मन स्थिति के बदलने का कारक होता है, उसका मन कितना जल्दी जल्दी परिवर्तन कर रहा है, किसी भी व्यक्ति को जजमेंटल बना देता है, तुरंत ही वो किसी भी व्यक्ति के बारे में तुरंत ही अपना भाव बदल देता है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। इस तरीके की जो प्रवृत्ति पैदा होती है वो निसंदेह चंद्रमा और बुध के एक साथ बैठने के कारण होती है, और व्यक्ति को स्वभाव जो मिलता है वो जन्म कुंडली के दूसरे और आठवें भाव से मिलता है। सिंह राशि के गुरु यहाँ पे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी बना देते हैं या डिप्लोमेट बना देते हैं, जहाँ व्यक्ति राजनीति ही करता रह जाता है दूसरों के लिए, और कई बार बारहवें के राहु इस का असर बाद में चलकर के दाम्पत्य पे भी पड़ने वाला हो सकता है। राहु की दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं है, राहु की दृष्टि यहाँ पे शत्रुता, कई बार अभी तो इनकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, ये व्यक्ति कई बार बहुत ही क्रूरतम रहस्यों का उद्घाटन करने वाला, क्रूर विचारों का और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का हो जाता है। लग्न में शनि और किसी भी शुभ ग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं, नीच के चंद्रमा अमावस्या दोष से ग्रसित हो जाते हैं, सूर्य एकादशवें भाव में व्यक्ति को धन की कभी समस्या नहीं होने देते, उसकी प्रत्येक इच्छा बहुत ही बड़ी और गंभीर होती है, शुक्र मालव्य योग का जो है वो निर्माण करेंगे, लग्न में शनि शश महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। गौर करिए केंद्र में दोनों ही ग्रह बैठे हैं पर दोनों ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बहुत ही सुकुमार प्रैक्टिकल, दुनिया को अलग दृष्टि से देखने वाला, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान समझने वाला, मोरालिटी बिल्कुल ही नहीं होती, कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और कई बार व्यक्ति हमेशा रणनीति बनाता या करता रहता है। सुकर्मा योग ये ठीक ठाक है ब्राह्मण वर्ण और देवगण का। अब यहाँ पे बात समझते हैं कि वस्तुतः यहाँ पे कोई भी चीज़ क्या है। जैसे मकर लग्न के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने कई बार कार्यक्रम में भी पहले बात कही है कि मकर लग्न वाले बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, वो अपने आप तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, उनका ध्यान हमेशा इस बात को लेकर के प्रज्वलित होता रहता है कि मैं और सिर्फ मैं, उसमें वो कई बार वो समाज वो दुनिया वो लोग और उनका परिवार कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सिर्फ उनका ध्यान अपने आप पे और अपने आप से उठकर के अपने पुत्र पे और अपने पति पे, अपने माता और अपने पिता पे जाता है। इसके अतिरिक्त उनके दरवाजे के अंदर कोई प्रवेश वर्जित होता है, और कई बार तो जब दशा कमज़ोर ग्रह की चल रही हो, शनि मंगल राहु केतु की दशा चली जाती है तो व्यक्ति कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा अनुभवों से युक्त या अनुभवों का मालिक समझ लेता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति अपने जन्मस्थान से दूर जा कर के रहने, परिवार से दूर जा कर के रहने का मार्ग खोज लेता है। शनि उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है, और वो सूर्य जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि के नवांश कुंडली में भी वो यहीं बैठे हैं। दाम्पत्य तो टूटेगा नहीं क्योंकि शनि और बुध जैसे ग्रह यहाँ बैठे हैं और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम नवम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। शनि और बुध का संबंध यहाँ पे बहुत मजबूती दे देगा क्योंकि लग्नेश भाग्येश के साथ बैठ रहे हैं। गुरु और चंद्रमा का योग यहाँ पे सप्तम और द्वितीय के अधिपति का एक साथ आना सुख भाव में ये दाम्पत्य को तोड़ने नहीं देंगे, पर यहाँ पे वर्चस्व हमेशा ही बरकरार रहेगा। सूर्य धनु के बैठे हैं ये अच्छी बात होगी, पति गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, ये बहुत सामान्यतया यहाँ पे आप जब देखेंगे तो सप्तम भाव के जो अधिपति है वो चंद्रमा के संपर्क में है और वो चंद्रमा द्वितीय भाव का अधिपति है, सप्तमेश और द्वितीय से एक साथ बैठे तो इस वजह से, और केंद्र के अधिपति जो लग्न के अधिपति हैं बुध वो गुरु के द्वारा देखे जा रहे हैं, और ऐसी अवस्था में कि मंगल यहाँ पे बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हैं तुला के होकर के, जिसके अधिपति परिवर्तन योग बना रहे हैं, मंगल की राशि में शुक्र, शुक्र की राशि में मंगल, ये जो अवस्था बन रही है वो कहीं ना कहीं तार तार करने वाली बनेगी और कई बार गड़बड़ भी पैदा करने वाली होगी।
दरअसल केतु की दृष्टि लग्न पे, केतु की दृष्टि यहाँ पे और केतु की दृष्टि यहाँ पे, ये जो स्थिति बन रही है वो थोड़ी सी संतान उत्पत्ति में भी बाधाएं उपस्थित करने के मामले में आगे बढ़ेंगी। और दरअसल व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडसेट का या तकनीकी या तकनीक हर जगह ज्ञान लगाने का काम करेगा। शनि और बुध यहाँ पे व्यक्ति को कई बार प्रैक्टिकल माइंडसेट का बनाने वाला यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी उनकी स्थिति कमजोर बनेगी। लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा मजबूत और इच्छा शक्ति का मजबूत और जो जिद कर ले उसको कभी भी पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटे। धन भाव के अधिपति भी लग्न में है, इस वजह से व्यक्तित्व और पैतृक संपत्ति, पिता का धन, पिता से लाभ और पिता को हमेशा ही आगे रखने का भाव बन जाता है। नीच के चंद्रमा सास और ससुर के साथ संबंधों को कमजोर कर देते हैं। सूर्य अमावस्या दोष चंद्रमा पे लगा रहे, इस वजह से हर जगह से घूम करके उनकी सुई कई बार जो है वो घर परिवार और सास ससुर आदि इन सब चीज़ों पे चला जाता है। बुध इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि के बैठे हैं, जो व्यक्ति के वात पित्त और कफ को और व्यक्ति के जीवन के अंतिम अवस्था को कमजोर करने वाला और भुक्तभोगी बनाने वाला बना देते हैं। यह व्यक्ति कई बार पूर्व जन्म के कई सारे पापों का ढोना या वाहक बन जाता है, ऐसी स्थिति भी बनती है। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अष्टम में बैठना, ये कई बार व्यक्ति को दिखा करके, शो ऑफ करके अपने शौक पूरा करने का एक जो है वो जाल बना देता है, जहां से व्यक्ति कभी भी उबरता ही नहीं है और ऋण में धंसते जाता है। ऐसी अवस्था में पति को जरूर ही ये विचार करना है और पत्नी को भी, इनको खुद भी विचार करना है कि आपके शौक कहीं ऐसे नहीं है जो पूरा करते करते आपको जो है वो ऋण में डाल रहे हों या परेशानी के सबब बनते जा रहे हों, ये बात भी समझने वाली है। चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ भाव में जाना, ये महाभाग्यशाली योग है, सूर्य के साथ बैठे हैं अष्टम में, इसके साथ जन्म स्थान से दूर ले जाकर के व्यक्ति को स्थापित कर देते हैं। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में द्वितीय चतुर्थ सप्तम भाव दशम भाव में जाना, पंचम भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, ये व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य और पति का प्रेम व्यक्ति को मिलता रहता है और पति स्वयं भी कई बार या पत्नी स्वयं भी कई बार अपने आप में ही मशगूल या एक दूसरे में ही समाहित होते हैं, कई बार वो दुनिया को देखना भूल जाते हैं। छठवें भाव के अधिपति का दारिद्र दोष लगा देना, ऐसी अवस्था में व्यक्ति कभी भी ऋण से मुक्त नहीं हो पाता, ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं। इस वजह से लेन देन और आर्थिक तौर पे अपने आप का अवलोकन और अपनी स्थिति का अवलोकन आवश्यक होता है, उसका एनालाइज करना कि कैसे धन कहाँ से आ रहा है, कौन सा जो प्रभाव है वो कहाँ जा रहा है, इस पे अवश्य ही मंथन की आवश्यकता है और निसंदेह उस पे विचार करने की आवश्यकता है। आप अपने व्यय को कंट्रोल करिए और अपने खर्च को किस तरीके से कहाँ समायोजित करना है, उसको किस तरीके से उसको मतलब प्रैक्टिकली उसको कहाँ खर्च करने की आवश्यकता है, इस पे विचार करने की भी आवश्यकता महसूस करता हूँ। नहीं तो व्यक्ति कई बार अपनी आवश्यकता और अपनी शर्तों पे जीने के कारण ऋण में दबता और कुचलता हुआ महसूस करता है। सप्तम भाव के अधिपति नीच के, इस वजह से दाम्पत्य पे प्रभाव ज़्यादा रहता है, कई बार शनि का प्रभाव यहाँ पे रहेगा, इस वजह से क्रूरतम स्थिति होती है, जहाँ व्यक्ति का पति स्वयं वो लुंज पूंज या कई बार अपना प्रभाव विकसित नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ के अधिपति वस्तुतः तो अमावस्या और नीच दुख के प्रभाव में है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या अवश्य ही दाम्पत्य में झेलने को मिल जाती है या झेलना पड़ जाता है, ये ऐसा भाव पति को मिलता रहता है। हालांकि ये बात उनको कई बार पता नहीं चले क्योंकि वो स्वयं ही कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ये वस्तुतः स्पाउस का भाव है। यहाँ पे भी सूर्य है, वो व्यक्ति व्यक्तित्व में कई बार कामी हो जाता है, इस वजह से कई बार वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाता है। अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में एकादश में जाना, ये ठीक नहीं होता, कई बार कम पैसों पे व्यक्ति को नौकरी करना पड़ता है और वहाँ पे गुरु बैठे हैं, ससुराल गंभीर होता है, इस वजह से व्यक्ति कई बार विरोध भी नहीं कर पाता, या कई बार वो सूर्य जो या गुरु जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो पेट का रोगी या कई बार खाने का शौकीन या मीठा पसंद या तीखा कई बार बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाए बहुत कम हो जाए और वहाँ बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। अष्टम के गुरु कभी भी अच्छे नहीं होते, खास करके मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को अपने आप को और भी ज़्यादा अपने अंदर सात्विकता, अपने अंदर शुद्धता, अपने अंदर जो है वो मॉरल वैल्यू को जागृत करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ। नवम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना अपने भाव से, ये एक जगह के लिए ठीक होगा, पर भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में जाना बहुत अच्छा माना जाता है, इस वजह से व्यक्ति के सारे शौक कम से कम पूरे हो जाते हैं। दशम भाव के अधिपति का दशम में बैठना क्षेत्र से संबंधित समस्या पैदा करे, भले ही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा न रहे पर उसके सारे शौक अवश्य ही पूरे होते हैं और निस्संदेह वो उसको अवश्य ही कुछ अपना अवश्य कर लेना चाहिए, जैसे शुक्र से संबंधित कोई भी कारोबार या
शनि से संबंधित कोई भी कारोबार, होटल और टूरिज्म आदि से संबंधित कारोबार, ज्वेलरी और कोई ब्रांड से संबंधित कारोबार जरूर ही स्थापित किया जा सकता है। एकादशवें के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल बनते हैं, वो वहीं बैठे हैं यहाँ। लेकिन गौर करने की बात है कि यहाँ चार ग्रह चतुर्ग्रही योग लगा रहे हैं, इस वजह से उन चारों का प्रभाव जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगा तो व्यक्ति को हर जगह से प्रेम मिल जाता है, पर वो देता नहीं है। लोग आपको स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं। निश्चित रूप से आपका चंद्रमा कमजोर है, ये जिनकी कुंडली है उनको अपने स्वभाव पे मनस्तु हितगु, आपका मन बदलता रहता है, चंद्रमा मनसो जाता कहा जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, उसे बिल्कुल ही ढूल मूल ना बनने दीजिए, और निश्चित रूप से अपने ऊपर, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव और अपने चरित्र के ऊपर तो नहीं कहूँगा, पर स्वभाव के ऊपर थोड़ा सा काम अवश्य कर देना चाहिए कि कैसे परिवार को एक साथ इकट्ठा करके चलाया जाए। क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव का अधिपति है वो लालच भाव में बैठा है और नीच के चंद्रमा के साथ बैठा है, जिसका नीच भंग वो कर रहा है। पर मैं एक बात कह दूँ तो वहाँ पे मंगल स्वयं अस्त हैं, चंद्रमा स्वयं अस्त हैं, बुध स्वयं अस्त हो जाएंगे, क्योंकि बुध 26 डिग्री के, सूर्य 18 डिग्री के, मंगल 10 डिग्री के और चंद्रमा 8 अंश के हैं। ऐसी अवस्था में वो सारे ग्रहों को वहाँ पे सूर्य अस्त करेंगे। इसके कारण व्यक्ति के जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा करके पूरा जो है वो सुख ही भ्रमित कर देना ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये डीप थॉट एनालिसिस का भाव है। इसका अधिपति जन्म कुंडली में सारे भावों के अधिपतियों को अस्त कर रहा है। भाग्येश को अस्त किया, चंद्रमा को अस्त किया जो कि सप्तमेश है, और मंगल को अस्त किया जो कि आपकी कुंडली का सुखेश है। यानी कि मेंटल पीस कमजोर हो गया, भाग्य का भाव कमजोर हो गया, और साथ ही साथ दाम्पत्य, ये आपकी कुंडली में ये तीनों को आपने कमजोर कर रखा है आपकी कुंडली के सूर्य ने। किसने? बहुत ज्यादा विचार करके व्यक्ति इन सबको कमजोर और प्रताड़ित कर देता है। इस पे काम करने की आवश्यकता जरूर है। 12वें भाव में राहु का बैठना धनु राशि का, वो आपको कई बार प्रताड़ित करेगा। अभी आपको तुरंत ही लाजवर धारण करना चाहिए 2027 के सितंबर तक, और भगवान गणेश की पूजा कर लेने की आवश्यकता है। अगर हो सके तो आपको रामायण की चौपाई या रामायण का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए, या अपने आप को कम से कम समझने के लिए गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ अवश्य किया करिए, या गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ अवश्य किया करिए। ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब आपको मैं आपकी कुंडली के नवमांश कुंडली पे लेके आऊँ तो लग्न के अधिपति का नीच का होना, जिनका नीच भंग गुरु करेंगे, चंद्रमा का केंद्र में बैठना, ये गुरु चंद्रमा का कई बार व्यक्ति का दाम्पत्य इतना ज़्यादा बेहतर होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे तो कुछ चीज़ें थोड़ी कमज़ोर दिख रही हैं, लेकिन चूँकि शनि की दृष्टि यहाँ पे सामान्यतया ठीक है, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी कमज़ोर, और शनि की दृष्टि यहाँ के लिए करियर के लिए बहुत मजबूती का प्रभाव, जहाँ व्यक्ति को अपना काम अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि दशमांश कुंडली में भी शुक्र यहाँ बैठे हैं, गुरु का प्रभाव है, राहु ऊंचे के बैठे हैं, दूर देश से व्यक्ति स्थापित होकर के अपना काम कर देता है। अब जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे अपना खुद का काम जरूर ही प्रसारित करना चाहिए। आप लोगों को यहीं पे बीच में रोक करके एक बात बताता हूँ। दीप्ति रंजन रावल जी ने लिखा है कि अगर किसी ने भगवान का स्वप्न देखा है तो उसका क्या मतलब होता है, ये बहुत अच्छा होता है। और आपको एक बात बताऊँ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगले ही पल परविंदर कुमार जी ने लिखा है कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दी, ये कल वाले सवाल के बारे में, कल के कार्यक्रम में जो पति पत्नी वाला था, कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की आपने, क्या इसे स्त्री की कुंडली पर भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि बात जीवन साथी की है तो दोनों के लिए ही होना चाहिए। निश्चित रूप से परविंदर जी, ये बात बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं। ये मैंने यहां तक, ये दो मैंने इसलिए शामिल कर लिया ताकि लोगों को पता चले कि मैं कमेंट भी देखता हूं, तो ये चीज़ें यहां पे बनती है। अब मैं आपको, ये तो चलो एक जनरल एनालिसिस मैंने करा कि ऐसी चीज़ें होती हैं, अब आपको मैं इस कुंडली में अंदर लेके आता हूँ। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और चंद्रमा का संबंध बहुत ज़्यादा मायावी भी बना सकता है और बहुत ज़्यादा सुख इतना, जब जैसे आप कई बार, आपने कई बार देखा होगा जैसे किसी व्यक्ति को जिसने जीवन भर पाप किए हैं पर फिर भी उसकी मृत्यु बड़े ऐसे समय पर हो जाती है कि हमें दुख होता है कि ओह उसे तो भोग लेना चाहिए था पर उसने भोगा नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने भोगा नहीं है ना, उसके कृत्य अभी भोगने बाकी हैं, या हो सकता है कि वो अगले जन्म में भोगने वाला है। और ये ऐसा ही होता है, आपके किए गए कर्म कभी भी छूटते नहीं हैं, ये याद रखिएगा। यम के स्वरूप होते हैं शनिदेव, ठीक उसी तरीके से लग्न में शनि बैठा है। इस व्यक्ति को ये बात पता होने की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ न्याय ही होगा, तो ये व्यक्ति जो कर रहा है अपने भोग, अपने ऐश्वर्य, अपने अनुभव, अपने, जैसे शुक्र कौन है, शुक्र जो होते हैं हमारी कुंडली में वो
दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं, और वस्तुतः वो ऐसे हैं जो दानी भी होते हैं, और वस्तुतः उन्होंने अपना सारा अपनी सारी संपत्ति जो भगवान ने उनको दिया था वो सारी संपत्ति जो है वो असुरों में बांट देते हैं और स्वयं असुरों के देवगुरु मतलब गुरु बन जाते हैं। मतलब क्या है, केंद्र में दो दो ग्रहों का बैठना और उच्चस्थ होकर के बैठना या स्वग्रही होकर के बैठना, इसका मतलब व्यक्ति का पूर्व जन्म अच्छा था, पर इस जन्म में व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं अगर होंगे तो निसंदेह अगली बार वाले में गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पंचम भाव देखिए प्रभावित है। चंद्रमा, बुध, सूर्य और मंगल सारे ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव पे देख रहे हैं, और चंद्रमा विशेषतया व्यक्ति के नेचर को जो है वो डिफाइन करता है। बुध आपके मन को एक जगह पे टिका करके कंसंट्रेशन का कारक होता है ना वो, और गुरु व्यक्ति के सही और गलत का निर्णय देने का ग्रह, वो पीड़ित है, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ऊपर से राहु की दृष्टि। आप इनके बारे में जो भी निर्णय लेंगे वो देखिए, गुरु का प्रभाव सबसे पहले तो अष्टम भाव में ऊपर से राहु की दृष्टि, और अन्य किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। दूसरे नंबर पे चैनल कहाँ से मिलता है, चंद्रमा से, वो चंद्रमा नीच के हैं। अलग बात है कि उनका नीच भंग हो रहा है, क्योंकि मंगल तो स्वयं अस्त है, तो वो क्या किसी को नीच भंग से मुक्त कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे ये बात समझने की है कि व्यक्ति को स्वयं पे सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। मैं ये बात कह दूं कि आजकल के ज्यादातर जो विवाह आदि की स्थिति होती है वहां पे व्यक्ति स्वयं को अलग करके सास ससुर ननद आदि इन सब चीजों से अलग करके स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है और पति के साथ अकेले रहना चाहता है। ये समस्या भविष्य में आपके साथ भी खड़ी हो सकती है, और निसंदेह आपको संस्कारों से मुक्त नहीं होना चाहिए, उसको बंद करके। संस्कारों की जो स्थिति होती है ना व्यक्ति को बहुत मजबूत करती है, और निसंदेह ईश्वर का आशीर्वाद आपको आपके सास ससुर परिवार घर परिवार के लोगों से ही मिल करके मिलता है। अन्यथा अगर वो रुष्ट हैं आपसे, अगर आप उनके प्रति कोई राजनीति या रणनीति कर रहे हैं, तो निसंदेह वो समस्या आपके सामने भी आने वाली हो सकती है। आप आज जवान हैं शुक्र के कारण, आप आज प्रैक्टिकल हैं शनि के कारण, आपके अंदर मोरालिटी नहीं है क्योंकि गुरु मृत्यु भाग में बैठे हैं, आपका चंद्रमा अनस्टैब्लिश है क्योंकि आप राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि मंगल अस्त हैं, पर आपके निर्णय आज गलत हो रहे हैं। भले ही आज आपको सही लग रहा हो पर आपको वो निश्चित रूप से फंसा रहा है, कल आपको फिर से उलझन में जाना ही पड़ेगा, और निस्संदेह कल आप इसी समस्या में फिर से वापस अपने आप को ग्रसित करेंगे। जिस बच्चे को आपने जो आपका पति है अपने जाल में फंसा करके इनके अपने माता पिता और इनकी बांध से दूर करा है, निसंदेह यह दंश आपको भी कल भोगना पड़ेगा। मैं यहां बैठ करके ये बात बोल दे रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संबंध वस्तुतः माताएं ही बनाती हैं, चाहे वो आज आपके गर्भ में हो या वो ना हो, कल आप माता बनने वाली हैं तो निसंदेह आप अपने बच्चे को क्या सिखाने वाले हैं, ये बात भी समझने वाली है। आपकी कुंडली का शनि आपको इतना ज़्यादा क्रूर बना रहा है कि आपको कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है। चश्मा हटाइए, देखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य दोनों अच्छे नहीं हैं। इस कुंडली के लिए दोनों ही अच्छे नहीं होते। कुंभ मकर लगने की कुंडली के लिए तो गुरु वैसे भी अच्छे नहीं होते, राहु से भी प्रभावित हैं, और सूर्य वैसे भी इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, अष्टमेश होते हैं, चंद्रमा वैसे भी अच्छे नहीं होते, सप्तमेश मारक हो जाते हैं, शुक्र अच्छे होते हैं जो व्यक्ति को भौतिकवादी या सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली में एक ही एंगल दे देते हैं, व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ को देखता रहता है। आपकी कुंडली में सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपको राजनीति और तिकड़मबाज बना रहा है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल और सिर्फ अपने बारे में आत्म केंद्रित होकर के सोचने वाला बना दे रहा है, मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आलोचक या आलोचना करने वाला बना दे रहा है, जिसको किसी के द्वारा किया गया कोई भी काम कभी पसंद नहीं आता है। बुध आपकी कुंडली में धोखेबाज भी बना सकता है। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को तेज तरार और दिमागी या अनुभवी ऐसा मान लेने वाला बना देते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में व्ययशील और व्यय करने वाला, भौतिकवादी और बहुत ज़्यादा भोगी प्रवृत्ति को शामिल करने वाला बना दे रहे हैं, ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करने वाला बना दे रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको तीव्र हठी जिद्दी और गुस्सैल और प्रैक्टिकल माइंडसेट का बना दे रहे हैं। इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए आपकी कुंडली में देवगण है और ब्राह्मण वर्ण है,
इस वजह से उसको विकसित करिए शुद्ध और बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करने का बल, क्योंकि इस कुंडली में गुरु और सूर्य जब अच्छे नहीं है तो मैं किसी भी तरीके से इस कुंडली को थोड़ा कमजोर ही कहूंगा, खास करके मोरालिटी के बेस पे इसे मैं थोड़ा अच्छा नहीं कहूंगा। ग्रह के बल के आधार पर अगर बात करें तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर, मंगल कमजोर, बुध कमजोर हैं, गुरु तो बिल्कुल ही कमजोर हैं, शुक्र कमजोर हो रहे हैं लेकिन वो शुभदायी है 50%। शुक्र जो है वो मतलब जो सुख है वो हमेशा लालच से भरा हुआ है, बालक को सुख आकर्षित करता है। आपकी कुंडली में शुक्र बालक बालकपन में है, जो हमेशा ही अनुभव से परे है, उसको पता ही नहीं है कि वो जो चीज़ खरीद करके ला रहा है वो भारी पड़ने वाली है कल आपके खर्च पे, या फिर कल आपके ही जीवन के लिए वो बड़ी समस्या बनने वाली हो सकती है। जहां व्यक्ति कई बार दूरदर्शिता रखता ही नहीं है या कई बार वो सिर्फ वर्तमान को देख करके ही अपना जीवन जीता रहता है। शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, इस वजह से वृद्ध हैं, वो अनुभव नहीं दे रहे हैं या पॉजिटिव नेचर नहीं दे रहे हैं, लग्न पे किसी शुभ ग्रह का कोई असर नहीं है, इस वजह से शुभता और कमजोरी दोनों ही कमजोर कमजोर सी हो रही है। जैसे कमजोरीपन कैसे, लग्न पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव होता तो लग्न को शुभता मिलती, गुरु के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव मिलता तो व्यक्ति कमजोर नहीं होता, सूर्य को कहीं से भी कोई शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है इस वजह से कमजोर हो रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है इस वजह से कमजोरी है, शनि के ऊपर किसी पापक शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है इस वजह से कमजोरी बन रही है। तो ये कारण जो है वो दृष्टियों का जो है वो संबंध कहीं से कुंडली का बन ही नहीं रहा। राहु गुरु से प्रभावित, गुरु राहु को प्रभावित, गुरु की दृष्टि यहाँ पे अच्छी दृष्टि नहीं है, गुरु की दृष्टि यहाँ पे यहाँ के अधिपति स्वतः अस्त हैं, कमजोर हैं, तो चतुर्थ भाव पे गुरु का प्रभाव है इस वजह से कम कुछ बचा हुआ है, नहीं तो और भी नष्ट हो जाता, ये बात यहाँ से बनती है। अष्टम भाव में गुरु है, इस वजह से पति जो है वो पीड़ित है, परेशान है, पर कर क्या सकता है, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसके नेत्र बंद हैं या फिर वो किसी के द्वारा जो है वो प्रकोपित है या परेशान किया जा रहा है, और उसको कहीं ना कहीं पता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो किसी के द्वारा प्रभावित या परेशान हो जाऊंगा, जो कि स्वयं की उसकी पत्नी, ऐसा भाव बन रहा है। इस कुंडली को निश्चित रूप से भगवान की आराधना, मंदिर का दर्शन, बड़े बुजुर्गों को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, और कम से कम इस कुंडली को बचाने में इस जातक के अपने माता पिता की भूमिका अवश्य ही निश्चित रूप से बेहतर हो सकती है। क्योंकि जरा गौर करिए तो चंद्रमा और मंगल दोनों कमजोर हो रहे हैं, चंद्रमा जो माता का पिता, माता का अधिपति होता है या माता का कारक होता है वो कमजोर है तो वहां से भी कमजोरी है, मंगल रणनीति तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो किसी के द्वारा जो है वो प्रभावित है, जो उनकी माता हो सकती हैं या उनके पिता हो सकते हैं, जो उनकी ही बात सुन सुन करके अपने घर को परेशान कर रहा है, निश्चित रूप से इस पे पश्चाताप की अग्नि जलेगी जो बाद में जलेगी। अभी केतु के बाद अभी तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा पर बाद में शुक्र भी सुनाई नहीं देंगे, ये कुंडली ऐसे ही चलती रहेगी। शुक्र के बाद जब सूर्य आएंगे 2000 बहुत बाद में, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कुंडली कभी सुधरने वाली है, इंतजार करना ही होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। जिस कुंडली में चंद्रमा और बुध खराब हो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।